हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो वो वाला ब्लॉग मैंने ख़त्म करके अभी मंडे को ही नेक्स्ट वाला ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ आलू और गोभी की सब्जी की रेसिपी, बिना प्याज और लहसुन की, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी। तो चलिए, और मंजीत आ गए ऑफिस से, अभी वो गए हैं दूध लेने, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी खीर भी। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, ये हो गई है मेरी सब्जियाँ रेडी, अभी मैं बनाऊँगी आलू गोभी। तो चलिए एक बार मैं आलू गोभी की सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, ये आलू गोभी कट हो गई है, गरम पानी में डाल दिए मैंने, और यहाँ पे मेरे टमाटर और हरी मिर्ची भी कट गए हैं। बस अभी मैं सब्जी को फ्राई करके लगाऊंगी तड़का। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून। सो गाइस, इसमें तो अब लगाऊंगी मैं सब्जी में तड़का, पहले सब्जी को फ्राई करके, और इसमें मैं बनाऊंगी खीर सेवैयाँ वाली। सो गाइस, इसमें तो मैं बनाऊंगी सब्जी और इसमें मैं बनाऊंगी खीर। तो चलिए बने रही है। सो गाइस, आलू गोभी हो गई है फ्राई, और इसमें मैंने डाल दिया जीरा। चलो ना, इस तरफ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और एक बार मैं डाल देती हूँ घी। सो गाइस, ये मैंने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्ची, थोड़ी देर इसको ढक के पकाती हूँ, उसके बाद आलू और गोभी डाल के लगाऊंगी एक सीटी, क्योंकि आज मैं कुकर में ही बना रही हूँ, कढ़ाई भी नहीं बना रही इस वजह से। सो गाइस, सब्जी मैंने इसमें डाल के रख दिया सीटी लगने के लिए, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, तब तक ये दोनों काम होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी गर्म, इसको अच्छे से उबाल के उसके बाद इसमें ठंडा मिला के बोतल में डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात के लिए दूध गर्म, क्योंकि रात को पीकर सोएंगे। और खाना मैंने खा लिया, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई, सब्जी और खीर कैसी बनी थी। तो चलिए एक बार मैं दोनों काम कर लेती हूँ। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे आप सब, होप कि अच्छे होंगे। तो मैंने सुबह से आपको कुछ भी इस वजह से नहीं दिखाया, क्योंकि एक तो मेरा सुबह इतना काम नहीं था, आज मैंने कपड़े वगैरह वॉश नहीं किया, आज है मंजीत का फास्ट ट्यूसडे का, तो उनका लंच वगैरह भी नहीं बनाना था सुबह सुबह, और मैं थोड़ा सा लेट भी सो के उठी थी, तो इस वजह से मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। तो प्रेस वगैरह मेरे सारे काम हो गए, अभी मैं फ़िलहाल के लिए कर रही हूँ स्टिचिंग। तो मैंने क्या स्टिच किया, मैंने स्टिच किया है एक नाइट सूट, जिस टाइप का मैंने पहना हुआ है ना, इसी टाइप में एक गर्म नाइट सूट स्टिच किया है। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ वो किस टाइप का बना है। और हाँ जी गाइस, इस वाले ब्लॉग के एंड में मैं आपके साथ कुछ क्लिप ऐड करूंगी, जो कि मैं न्यू ईयर पे घर गई थी तो मम्मी ने मुझे गाजर का हलवा बना के दिया था, तो वो वाली क्लिप भी ना मैं इसी वाली वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी, तो आप सभी देख लेना। और वीडियो कैसी लगे, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, देख सकते हैं आप सभी, मैंने ना ये वाला स्टिच किया है नाइट सूट, वुलन में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर बनाई है मैंने शॉर्ट कुर्ती, जो कि यहाँ तक आती है ना थाई तक, वो वाली इस पर शॉर्ट कुर्ती बनाई है, वो वाली भी आपके साथ शेयर करूँगी, बट वो वाली मैं शेयर करूँगी। सो गाइज, यहाँ पे बन रही है मेरी शकरकंदी, तो काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए, साथ साथ मैं पलट भी रही हूँ, तो देखते हैं अभी कैसा क्या रिजल्ट आएगा इनका। ये तो हो गई है, आई थिंक ये सारी ही हो गई। सो गाइज, ये मेरी रेडी हो गई, और मैं ऐसे बनाती हूँ, आप सब कैसे बनाते हो मुझे भी कमेंट करके बताना, इससे भी कोई इजी तरीका हो तो। सो गाइज, ये मैंने दरी बिछा ली और प्रेस रख ली, ये सारे कपड़ों पे मैं करूँगी प्रेस। ये वाले रख दिए मैंने, जो तह बना के रखने वाले थे वो। तो गाइज, यहाँ पे ना दूध का खोआ निकाल दिया और हलवा बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मम्मी गाजर कद्दूकस कर रही है। सो गाइज, मेरी मम्मी ने पहले भी हलवा बना के रखा हुआ है हमारे लिए, देख सकते हैं आप सभी। अभी मैं खाऊंगी हलवा गर्म करके। सो गाइज, अभी मैं कर रही हूँ हलवा गर्म, मैं और मम्मी खाएंगे हलवा, यहाँ पे नया बन रहा है।
ये 2 दिन पुराना है, 3 दिन हो गए। सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सो गाइस हलवे में डाल दिया अभी खोआ, और मेरी मम्मी। सो गाइस ये मेरी मम्मी का वेलवेट का नया सूट देख सकते हैं आप सभी, और इसमें मैंने लगाई है ये लैक्रा, और सूट का बॉर्डर है कुछ कुछ ऐसा, और इसके स्टोल पे भी वर्क है। अभी मैं इसका सिल रही हूँ प्लाजो, प्लाजो सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ, फिर आप बताना कमेंट करके कैसा लगा, और स्टोल भी दिखाऊंगी इसका साथ के साथ। सो गाइस हलवे में अभी डाल दी काजू, और चीनी भी डाल दी, घी डालना बाकी है, पानी सुनकर भी डालूं। सो गाइस ये हमारा हलवा हो गया पूरा तैयार, अभी हम करें खाने की तैयारी, मटर पनीर, दूध, मलाई, मलाई भेज अंदर हम। गाइस जो इसकी कुर्ती है ना वो वाली मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल वाले ब्लॉग में, अभी वाले में तो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी स्लीव्स अभी बाकी हैं स्टिच करनी, तो उसकी स्लीव्स को मैं अटैच कर देती हूँ कुर्ती के साथ, उसके बाद वो वाली दिखाती हूँ मैं आपको कल, और अभी मैं करती हूँ इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड, आपसे मिलती हूँ जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।